दिल्ली में एक आईएएस कोचिंग संस्था के बेसमेंट में भारी बारिश के बाद पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में करीब 12 फीट तक पानी भर गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को हिरासत में ले लिया है। इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज कर दिया है। दिल्ली में हुई भारी बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जलभराव के कारण 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात को 3 स्टूडेंट के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। मरने वाले छात्रों की पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नवीन डेलविन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर के 80% कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी बेसमेंट में बनी है। इस दर्दनाक हादसे से छात्रों में आक्रोश भर गया, जिससे वो दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।